हाय, मैं रंजना। छटकारा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट ग्लेस केक, जो घर के सामान से और बहुत आसानी से बनेगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। चॉकलेट ग्लेस केक बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल पिसी हुई चीनी, हाफ बाउल रिफाइंड ऑयल। अब इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। इसे हर तरफ से चलाते हुए मिक्स करेंगे हम। और अब हम इसमें मिलाएंगे एक बाउल दही, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, और फिर अब इन सबको अच्छा से मिलाएंगे। इस तरह से इसे अच्छा से मिला लेंगे। और फिर अब इसमें हम मिलाएंगे दो बाउल ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा। इसे भी हम अच्छा से मिक्स करेंगे। और ये थोड़ी गाढ़ी हो रही है, इसलिए अब हम इसमें मिलाएंगे दूध। एक बाउल दूध लिए हैं हम यहाँ, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए बहुत स्मूथ बैटर बनाना है। यहाँ बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए हम यहाँ अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। और इसमें हम मिलाएंगे हाफ चम्मच वनीला एसेंस, और इसे भी डालकर अच्छा से मिक्स करेंगे। अच्छा बैटर बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा बैटर बना है। एक केक टिन में हम पहले से ही बटर पेपर लगा दिए हैं और साइड कॉर्नर में मैदा डस्ट स्प्रिंकल किए हैं। और इसके बैटर को अब इसमें हम डाल देंगे। और देखिए, काफ़ी स्मूथ बैटर बना है, लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ा है इसमें। और बैटर में बबल ना रह जाए, इसके लिए हम इसे टैप करेंगे। कुकर में हम नमक पहले से ही रखे हैं, और इसके ऊपर हम स्टैंड रखे हैं, और गैस हाई फ्लेम पर है। पहले हम 5 मिनट के लिए कुकर को प्री हीट करेंगे। 5 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा कर और इसमें बैटर को रखेंगे। बहुत सावधानी से बैटर को हम इसमें रखेंगे, क्योंकि चारों तरफ से कुकर गर्म है, हाथ जल भी सकता है। और अब इसे ढककर फ्लेम को लो रखेंगे और करीब 35 से 40 मिनट तक इसे पकाएंगे। लगभग 20 मिनट के बाद फ्लेम को हम 2 मिनट के लिए हाई रखेंगे और फिर स्लो कर देंगे। 40 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटाकर देखते हैं केक का क्या कंडीशन है। फ्लेम के अनुसार कभी कभी केक बहुत जल्दी बन जाता है, या कभी टाइम भी लगता है, इसलिए हम स्टिक डालकर चेक करते हैं अंदर से ठीक से पका है या नहीं। और ये देखिए, केक बहुत अच्छा से अंदर से भी पका है, ये ठंडा हो चुका है। अब हम चारों तरफ से इसे कॉर्नर लूज करेंगे, हर तरफ से इस तरह से लूज करेंगे इसे। और अब इसे हम दूसरे बर्तन में पलट देंगे। और इसमें हम जो बटर पेपर यूज किए थे उसे हम हटा लेंगे। और आप देखिए कितना स्पंजी दिख रहा है केक, बहुत स्पंजी बना है और बहुत अच्छा कलर भी दिख रहा है। 10 रुपए वाली 3 पीस डेरी मिल्क चॉकलेट को हम मेल्ट करके इस तरह से बनाए हैं, और इसे हम केक के ऊपर अच्छा से फैलाएंगे। मेल्ट किया चॉकलेट को हम इस पे अच्छा से फैला लेंगे, मोटा लेयर तैयार करेंगे हम। मेल्टेड चॉकलेट को लगाते ही बहुत ही ग्लेसी लुक दिख रहा है केक का। और
और अब 10 रुपए वाली मिल्की बार को हम बारीक बारीक ग्रेट करके और इसे स्प्रिंकल करेंगे केक के ऊपर। इस तरह से अच्छा से स्प्रिंकल करेंगे हर तरफ हम। और अब फाइनली चॉकलेट ग्लेस बनकर तैयार है। केक के लुक को इन्हेंस करने के लिए इसमें हम डेरी मिल्क को भी ग्रेट करके डाले हैं। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा बहुत कम सामान से, घर के ही सामान से ये केक आसानी से घर में बनाया जा सकता है। तो अब आप ट्राई करें इसे घर पर और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।